हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधिका। बिग बॉस के 12वें सीजन में जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, वो हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा। अनूप जलोटा अपनी 28 साल की गर्लफ्रेंड को लेकर सुर्खियों में हैं। प्रीमियर नाइट से लेकर फर्स्ट एपिसोड तक अनूप जलोटा और उनकी गर्लफ्रेंड जसलीन मथारू टॉकिंग प्वाइंट बने हुए हैं। बेशक अनूप जलोटा ने अपने 3.5 साल चले अफेयर का खुलासा बिग बॉस में आने पर किया हो, लेकिन अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहे हैं। अनूप जलोटा ने 3-3 शादियां की, लेकिन तीनों ही शादियां लंबे वक्त तक नहीं चल पाईं। अनूप जलोटा की पहली शादी भी नॉर्मल नहीं थी। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर गुजराती लड़की सोनाली सेठ से शादी की थी, जो इनकी स्टूडेंट थी। दोनों ने कई गाने गाए और एक साथ कई कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया, लेकिन इनकी लव मैरिज ज्यादा लंबी नहीं चली। दोनों का तलाक हो गया। सोनाली ने तबला वादक रूप कुमार राठौर से शादी कर ली। इसके बाद अनूप जलोटा की शादी परिवार की पसंद की लड़की से हुई। बीना भाटिया से अनूप जलोटा की दूसरी शादी हुई, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। शादी के कुछ ही सालों बाद दोनों अलग हो गए। फिर अनूप जलोटा की तीसरी शादी मेधा गुजराल से हुई थी। मेधा फॉर्मर PMI के गुजराल की भतीजी और फिल्म मेकर शेखर कपूर की पहली पत्नी थी। अनूप और मेधा के बेटे आर्यमन का जन्म 1996 में हुआ था, जो इन दिनों अमेरिका के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन लीवर की बीमारी के चलते मेधा का साल 2014 में निधन हो गया और अनूप जलोटा एक बार फिर अकेले हो गए। लेकिन जल्द ही उनका अकेलापन दूर करने के लिए उनकी जिंदगी में आई जसलीन मथारू। इन दिनों दोनों का रिलेशनशिप टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। 65 साल के अनूप जलोटा ने बिग बॉस के मंच पर सबके सामने अपनी 28 साल की शिष्या जसलीन मथारू के साथ रिलेशनशिप में होने की बात कबूल की, जिसके बाद दबंग सलमान खान से लेकर वहां बैठी ऑडियंस और पूरा देश शॉक में है। इस रिश्ते को लेकर इन्हें काफी ट्रॉल किया जा रहा है। वहीं बिग बॉस के घर में भी दोनों के रिलेशनशिप को लेकर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जिसका सामना दोनों मजबूती से कर रहे हैं। वेल, फिलहाल तो दोनों बिग बॉस के घर में काफी मसाला दे रहे हैं। अब आपको बिग बॉस में चल रहे इनके खुल्लम खुल्ला प्यार पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।